वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम बात करने वाले हैं सरगोधा बोर्ड जो है उसका इंटरमीडिएट यानी सेकंड ईयर का रिजल्ट आप कैसे चेक कर सकते हो। मैं विद प्रूफ आपको चेक करके भी दिखा दूंगा कि आपने इस तरह चेक करना है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो माय नेम इज़ ईशान हुसैन और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल केमिस्ट्री टाइगर्स। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर गूगल ओपन करेंगे। अच्छा, मोबाइल भी मैं इसलिए बना रहा हूँ कि तकरीबन 80-90% लोगों के पास मोबाइल ही होता है, तो वो मोबाइल के जरिए ही चेक करना चाहते हैं। तो चलें जी, मैंने गूगल ओपन कर लिया और उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे सरगोधा बोर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, सरगोधा बोर्ड। मैं चलें जी सरगोधा बोर्ड लिखता हूँ। अब जो है आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो लिखा हुआ है ना बोर्ड रिजल्ट्स आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो उसके उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस है। अब इसको आप थोड़ा सा जूम करेंगे। जूम करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ सिलेक्ट एग्जाम्स, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एरो पे, और यहाँ पे लिखा हुआ मैट्रिक और इंटरमीडिएट। यहाँ पे हम इंटरमीडिएट करेंगे क्योंकि हम सेकंड ईयर का कर रहे हैं। अब पहले देखें, यहाँ पे एक थे, अब दो आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या था, अब पहले एक ही था सिर्फ इंटरमीडिएट, अब आपने क्लिक किया तो यहाँ पे साथ आ गया सिलेक्ट ईयर। तो सिलेक्ट ईयर्स करेंगे, जैसे फिलहाल क्योंकि हम 2021 का चेक करने वाले हैं तो यहाँ पे 2021 लिखा ही नहीं क्योंकि अपडेट नहीं हुआ। जब अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पे 2021 भी लिखा आ जाएगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे 2020 लिखा हुआ है तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं। क्योंकि मैं आपको बेसिकली तरीका बता रहा हूँ कि आपने इस तरह चेक करना है, लेकिन जब आपने सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे 2021 ही करना है क्योंकि उस वक्त अपडेट हो जाएगा। ठीक है, इस बात का ख्याल रखें। अच्छा जी, नेक्स्ट जब आप करेंगे तो एक और जो है वो ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ सिलेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो अब आपके पास है यहाँ पे एनुअल, तो यहाँ पे आपने सिर्फ एनुअल ही क्लिक करना है। ठीक है, आपने एनुअल ही क्लिक करना है, जस्ट आपने चेंज क्या करना है, यहाँ पे 2020 लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपने सिर्फ 2021 लिखना है और कुछ नहीं। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास थोड़ा सा इस तरह, मैं करता हूँ जूम आउट, तो यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपके पास तीन हैं। फर्स्ट है सर्च बाय रोल नंबर के जरिए भी आप कर सकते हैं, नेक्स्ट है नेम के जरिए, और नेक्स्ट है सर्च ऑफ इंस्टीट्यूट कोड। तो मैं सिंपल आपको कहूँगा कि भाई आप अपने रोल नंबर से कर लें। ठीक है, तो पहले पे सिलेक्ट रहने दें और यहाँ पे अपना रोल नंबर लिख लें। जैसे मैं एक लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ 40405, मतलब पिछला है मेरे पास एक मतलब रोल नंबर था, मैंने वहाँ पे चेक किया। ठीक है, तो ये देखें जी, अब आपके सामने इस तरह का आपका रोल नंबर जो है वो मतलब जो भी है वो आपके सामने आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा आसान और सादा सा तरीका था कि आप सरगोधा बोर्ड का कैसे जो है वो फाइंड कर सकते हैं। जस्ट आपने चेंज ये करना है कि आपने जो है वो 2020 के जरिए 2021 करना है। ठीक है, और दूसरा मेथड ये है कि आप बजरिए SMS भी कर सकते हैं, उसका कोड जो है वो आपके सामने जो है वो शो हो रहा है तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी कोड पे बेसिकली आपने करना ये है कि आपने मैसेज, जैसे आप एक दूसरे को मैसेज करते हैं अपने फ्रेंड्स को, वैसे अपना मैसेज में अपना रोल नंबर लिखना है और रोल नंबर लिखने के बाद इस कोड पे आपने सेंड कर देना है जो कि स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, जब ये मतलब आप सेंड कर देंगे तो विद फ्यू सेकंड्स के अंदर आपका रिजल्ट आपको मैसेज के जरिए बता देंगे और आप जो है वो अपना रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। चलें जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें क्योंकि आपको इस चैनल पे बहुत सारी एजुकेशनल वीडियोस और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको यहाँ पर वक्त मिलती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।